एक होती है आपकी सीड ऑडियंस, एक होती है कस्टम ऑडियंस और एक होती है लुक अलाइक, ठीक है। अब ये जो सीड ऑडियंस होती है ना, सीड का मतलब होता है कि जब आप कोई फेसबुक पर ऐड रन करते हो ना, तो जब आप ऐड रन करते हो तो वहाँ पर हमें ऑडियंस सेलेक्ट करना होता है, टारगेटिंग करते हैं ना कि हमें अपनी ऐड दिखानी किसको है, अपनी ऑडियंस को दिखानी है। तो ऑडियंस में हम टारगेट करते हैं कि हमें किस तरह की ऑडियंस को दिखाना है, सीड ऑडियंस को दिखाना है, कस्टम ऑडियंस को दिखाना है, लुक लाइक। तो कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस जो बनती है वो सीड ऑडियंस से बनती है। किससे बनती है? मतलब आपके पास पहले सीड ऑडियंस होनी चाहिए, तब जा करके आप कस्टम ऑडियंस बना पाओगे या लुक अलाइक ऑडियंस बना पाओगे। बिना सीड ऑडियंस के आप नहीं बना पाओगे। हाँ, मतलब आपके पास पहले से कुछ लोग होने चाहिए। जैसे जैसे क्या है कि मुझे अगर ऐड चलानी है तो मेरे पास आप लोग हो, पहले से आप लोग मेरी ऑडियंस हो एक, फॉर एग्जाम्पल, तो आप मेरे पास हो तब मेरे को और आप जैसे लोग मिल पाएंगे, अदरवाइज। बात समझ रहे हो? अभी छोड़ो उसको। सीड ऑडियंस का मतलब होता है, ये भी तीन तरह की होती है, ठीक है। तीन कैटेगरी में इसको हम बेसिकली बांटते हैं। एक होती है बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स, एक होती है बेस्ड ऑन इंटरेस्ट और एक होती है बेस्ड ऑन बिहेवियर। बात समझो, जो सीड ऑडियंस होती है, सीड का मतलब आप पहली बार फेसबुक ऐड चलाने जा रहे हो और आपके पास अभी पहले से कोई भी बंदा नहीं है आपके जानने वाला या जो आपको फॉलो करता हो, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो आप क्या करोगे कि आप पहली बार बिल्कुल ऐड चलाने जा रहे हो। जैसे मैंने पहली बार जब ऐड चलाई थी तो उस टाइम पर ना मेरे पास कस्टम ऑडियंस थी, ना मेरे पास थी लोकल लाइक ऑडियंस। तो मैंने क्या करा कि बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक का मतलब होता है जो लोग होते हैं ना, उनकी कुछ एज होती है, वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, वो एक कुछ काम कर रहे होते हैं, इससे मैं डिसाइड करता हूँ। मैं अभी इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक का मतलब एज हो गया, उनका लोकेशन हो गया, वो क्या काम करते हैं, किस इंडस्ट्री में काम करते हैं, ये कहलाता है डेमोग्राफिक्स। जैसे मान लो मैंने ये चुना कि 18 से 30 एज वाले लोग हों और जो ऑनलाइन में काम करते हो या ऑनलाइन इंडस्ट्री में जिनका इंटरेस्ट हो, ठीक है, ऑनलाइन इंडस्ट्री से उनका रिश्ता नाता रहा हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, किस क्षेत्र में आप काम करते हो, ठीक है, आपका वर्क का हो गया, आप जॉब टाइटल का हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, ये आता है डेमोग्राफिक्स। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। यहाँ पर हम केवल इंटरेस्ट की बात करते हैं कि आपका मन किस में लगता है, ठीक है, आपका डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डिजिटल मार्केटिंग करोगे, सीखोगे, आपका इंटरेस्ट है, आपका उस पर्टिकुलर मूवी में इंटरेस्ट है, आपका पर्टिकुलर उस बुक में इंटरेस्ट है, आपका एक पर्टिकुलर पर्सन में, बिल गेट्स में आपका एक इंटरेस्ट है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पर जिनका एक पर्टिकुलर चीज़ों में इंटरेस्ट है, मतलब सबका अपना अपना कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। और ये इंटरेस्ट फेसबुक को कैसे पता चलता है? आप फेसबुक पर बहुत सारी एक्टिविटी करते हो ना, कोई पोस्ट लाइक कर दिया, कहीं कमेंट करा, कहीं शेयर करा, कहीं किसी पर्टिकुलर रील को आप ध्यान से देख रहे हो, तो ये हर एक चीज़ यूट्यूब करता है नोटिस और वहाँ से डिसाइड करता है कि आपका, मतलब आपका एक वो बना लेता है, वो कस्टमर अवतार, आपका एक पर्सोना बना लेता है कि आप किस टाइप के पर्सन हो, ये फेसबुक बना लेता है। दुनिया में जितने भी फेसबुक यूजर्स हैं सबके लिए उसने एक वो बना लिया आइडेंटिटी कि भाई आप इस टाइप की कैटेगरी में आते हो। और ये उसने कैसे पता करा? आपके बिहेवियर से, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट और आपका बिहेवियर, मतलब आप बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी खरीदते हो, आपका बिहेवियर क्या है? आप अग्रेसिव हो, आप कहीं हेट कमेंट कर रहे हो, इससे आपका फेसबुक पता कर लेता कि आपका बिहेवियर कैसा है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें आती हैं, एक तो डेमोग्राफिक्स, दूसरा इंटरेस्ट और तीसरा बिहेवियर। इसके बिहाफ पर आप अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये सेलेक्ट करा कि मुझे लखनऊ में 18 से 30 वाले लोगों को, जिनको ऑनलाइन में इंटरेस्ट है, जिनको डिजिटल मार्केटिंग और इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के साथ साथ में हम क्या कर सकते हैं, नैरो डाउन कर सकते हैं। मतलब फेसबुक में आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे किसी का डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, साथ ही साथ उसका एक गुण और भी है, उसका एक व्यवहार और भी है कि वो जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ शॉपिंग करता रहता है, खरीदता रहता है, उसके पास पैसा है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर लिया डेमोग्राफिक्स या इंटरेस्ट, मैंने ले लिया इंटरेस्ट में, मान लो ले लिया मैंने कि जो भी लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट है या ऑनलाइन
एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट है। ये तीन इंटरेस्ट मैंने चुने और तीन इंटरेस्ट में मैंने नैरो डाउन कर दिया कि साथ ही साथ क्या है कि उनका बिहेवियर क्या है। बिहेवियर है उनका वो जल्दी जल्दी सामान खरीदते रहते हैं या पैसा खर्च करते रहते हैं, ठीक है। ऐसा बिहेवियर मैंने इंगेज शॉपर जिसको बोलते हैं, तो आप बिहेवियर इंगेज शॉपर ले सकते हो, ठीक है। इससे हमें ये, हमने फेसबुक को ये बता दिया कि इनका इस चीज़ में इंटरेस्ट, साथ ही साथ इनका व्यवहार क्या है कि ये शॉपिंग करते रहते हैं, यानी कि इनके पास पैसा है। हम ऐड उसको नहीं दिखाएंगे जो केवल हमारी ऐड आके देख के चला जाए, हम उस बंदे से पैसा भी तो लेंगे, तो हमें उन लोगों को ऐड दिखानी। तो यहाँ पर हमने एक सीड ऑडियंस बनाई, ठीक है। तो अब उसमें से बहुत सारे लोग हमारी ऐड को देखेंगे, बहुत सारे लोग हमारे ऐड पर आएंगे, बहुत सारे लोग हमारे लैंडिंग पेज पर जाएंगे, बहुत सारे लोग हमारे उस पर ऐड पर कमेंट करेंगे, बहुत सारे लोग लैंडिंग पेज में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करेंगे, बहुत सारे लोग हमारे ऑफिस आकर के विजिट करेंगे, करेंगे ना। तो अब इससे आप बना सकते हो अपनी कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस क्या होती है कि कितने लोग आपकी वेबसाइट को विजिट किए, उसकी आप एक अलग ऑडियंस बना सकते हो। मान लो हमारी वीडियो 1000 लोगों ने देखी, लेकिन उस 1000 लोगों में से पर्टिकुलर 50 लोग ऐसे थे जो हमारी वेबसाइट पर आए, तो आपने उनकी ऑडियंस बना दी। मतलब उन 50 लोगों को आप दोबारा से कभी भी ऐड अलग से दिखा सकते हो। आपको अलग से अब सीड ऑडियंस नहीं बनानी है, 1,00,000 लोगों को नहीं इकट्ठा करना है, आप केवल उन्हीं 50 लोगों को दोबारा से ऐड दिखा सकते हो। इसी तरीके से इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है, वेबसाइट एक्टिविटी हो गया, ऐप एक्टिविटी हो गया, ऑफलाइन इवेंट हो गया, मतलब आपके यहाँ ऑफलाइन कितने लोग विजिट किए हैं उनकी आप लिस्ट बना सकते हो। उसमें आप उनका जो नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो आपने इकट्ठा करे हैं वो जाकर के वहां अपलोड कर दो, ठीक है। तो आपने उसकी ऑडियंस बना ली। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट कस्टम ऑडियंसेस बना सकते हो। कस्टम ऑडियंस का मतलब समझ में आया, मतलब ऐसी ऑडियंस जो आपके पास पहले से कहीं ना कहीं है, चाहे वो आपके वेबसाइट विजिटर्स हों, चाहे वो आपके वीडियो व्यूवर्स हों, चाहे वो आपके फेसबुक के इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो किए हों, पेज को लाइक किए हों, हर कैटेगरी का अलग अलग ऑडियंस आप बना सकते हो। फेसबुक पर लाइक करने वाले लोगों को अलग आप बना सकते हो, उनको अलग ऐड दिखा सकते हो। इंस्टाग्राम पर जो लोग फॉलो किए उनको आप अलग ऐड दिखा सकते हो, जो लोग आपके वीडियो को देखें उनको अलग ऐड दिखा सकते हो। इवन आप ये कर सकते हो कि किसने आपकी कितनी वीडियो देखी, 3 सेकंड वीडियो देखने वाले लोगों की अलग ऑडियंस बना सकते हो, 15 सेकंड जो आपने वीडियो देखी आपकी उनकी अलग ऑडियंस बना सकते हो, जिन्होंने 50% देखी, 25% देखी, 95% देखी, हर कैटेगरी का अलग अलग ऑडियंस आप बना सकते हो। और ये क्या कहलाती है, कस्टम ऑडियंस। अब ये कस्टम ऑडियंस ना बहुत कम होती है। मान लो आपने ऐड चलाई, 1,00,000 लोगों को दिखाया, और मान लेते हैं कि आपके पास 5,000 या 10,000 लोग आ गए, कहां पर, आपके लैंडिंग पेज पर, ठीक है। तो लैंडिंग पेज पर आपके जो 5,000 लोग आए हैं या 5,000 लोगों ने जो आपका साइन अप फॉर्म भरा है वो बहुत ही हाईली टारगेटेड है, ये बात आपको पता है। तो हम क्या करते हैं, फेसबुक से कहते हैं कि भाई हमें लुक अलाइक ऑडियंस बना दो। अभी लुक अलाइक क्या बना है, फेसबुक से हम ये कहते हैं कि यार मेरे पास 5,000 ऐसे कस्टमर हैं जो बहुत ज्यादा क्या है, इंटरेस्टेड है, माने जो हमारे पास लीड दे चुके हैं, हमको सिर्फ और सिर्फ उसके जैसे लोग चाहिए। अब फेसबुक का काम आसान हो जाता है ढूंढना। ये 5,000 जो लोग है ना, ये 5,000 लोगों का बहुत सारी चीज़ें कॉमन मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें कॉमन मिलती हैं, और फेसबुक उसके जैसे लोगों को ढूंढता है। तो अब ये काम आपके लिए आसान हो जाता है, यानी कि यहाँ पर लुक अलाइक ऑडियंस आपने जो बनाई है वो ऑडियंस सबसे ज़्यादा हाईली एक्यूरेटेड होगी और वहाँ पर कन्वर्जन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। समझ रहे हो बात, क्योंकि सीड ऑडियंस में जो लोग आ रहे हैं उसमें सारे लोग तो नहीं भरेंगे ना, मतलब पता नहीं किसका क्या इंटरेस्ट है, कैसे लोग हैं, लेकिन वहां से जो हमारे ऑडियंस बन चुके हैं ऑलरेडी वो एकदम हाईली टारगेटेड है। अब उसके जैसे और लोग आप बना सकते हो, ये कितनी अच्छी बात है। मतलब 5,000 लोगों की लिस्ट है, आप वैसे ही 5,00,000 लोग और ढूंढ सकते हो। ये काम हमें फेसबुक करके देता है खुद से, ठीक है। तो ये कुछ ऑडियंस के बारे में मैंने सीखा आज। अब इन सब चीजों को हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो अब आपका काम क्या है कि आपको अब अपनी ऑडियंस की रिसर्च करनी है, ठीक है। आपको अपनी ऑडियंस की रिसर्च करनी है। ऑडियंस रिसर्च करने के लिए आप क्या करोगे, बताओ क्या करोगे। पहले आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपका जो कस्टमर है, जो ऑडियंस है, किसको आप टारगेट करोगे, उसका डेमोग्राफिक इंटरेस्ट, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए ना। जैसे मान लो आप ही की हम बात करते हैं कि आपका चिकन बेचने का काम है, तो आपको जब तक अपने कस्टमर के बारे में नहीं पता होगा, उसके इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता होगा, तब तक आप सेल्स कैसे कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको अपनी ऑडियंस की रिसर्च करनी जरूरी है।
अब रिसर्च में हम क्या करेंगे कि हमारी जो ऑडियंस है उसको हम बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अलग अलग YouTube चैनल पर जाएंगे, ये काम आपको करके आना है कल से, ठीक है। अलग अलग Facebook पेजेस पर जाएंगे, कैसे कैसे Facebook पेज पर जाएंगे, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हम उनकी बात कर रहे हैं। अलग अलग Facebook पेजेस पर जाएंगे, अलग अलग हम वेबसाइट पर जा सकते हैं, Amazon, Flipkart ऐसे, ठीक है, वेबसाइट्स पर जा सकते हैं। तो आपको मतलब Instagram पेजेस पर जाना है आपको। अब देखो, जब आप इन सारी जगह पर जाओगे ना, तो यहाँ पर जैसे YouTube पर किसी ने कमेंट करा, तो आप क्या करो कि कमेंट को पढ़ो ध्यान से, समझो ध्यान से। यहाँ पर जो पेज बना है, पेज में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, और पेज में तो आप बस बंदे की प्रोफाइल भी जा करके देख सकते हो ना, देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो। किसी बंदे ने कमेंट करा कि मान लो किसी का एक पेज था जो चिकन बेचता था, उसमें बंदे ने कमेंट करा कि मुझे चिकन चाहिए, और उसने अपना नंबर दिया, तो आप क्या उस प्रोफाइल पर जा करके उसके बारे में पढ़ नहीं सकते हो क्या, थोड़ा डिटेल नहीं देख सकते हो क्या? कर सकते हो। वहां से जाने के बाद ना आपको उसका पूरा कलेक्शन करना है। किस चीज का? आपको उसकी एज का, उसके इंटरेस्ट का, कि किस किस चीज में उसका इंटरेस्ट है, उसका बिहेवियर क्या है, ये सारी चीजें आपको मॉनिटर करनी है एक एक्सेल शीट में। एक एक्सेल शीट बनाना, और उस एक्सेल शीट में आप कम से कम 100 तो करने ही करने हैं, अदरवाइज आप 150-200, जितना ज्यादा करोगे उतना बढ़िया आपके लिए रहेगा। आपको क्या करना है, एक एक्सेल शीट बनाना है, और एक्सेल शीट में बनाने के बाद सबका सब कुछ नहीं पता चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ पता चलेगा आपको, ठीक है, कि उनका इंटरेस्ट क्या है। जैसे जो चिकन वाले लोग हैं, उनका इंटरेस्ट किन किन चीज़ों में हो सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग में हो सकता है, वो लड़कियां ज़्यादा हो सकती हैं, उनका हो सकता है किसी पर्टिकुलर एक बंदे में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, सोनम कपूर जैसे फैशन इंडस्ट्री में रहती है, उसका ज़्यादा उसमें लोगों का सोनम कपूर में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, मतलब उनके इंटरेस्ट को आपको आइडेंटिफाई करना है, और उनके सारे इंटरेस्ट को आपको बस लिखना है, उनके बिहेवियर को आपको लिखना है कॉपी पर, एक्सेल शीट पर, ठीक है। तो ये आप कर लेना अपने लिए, आप अपना बिजनेस देखो, और उस बिजनेस में जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट को आप नोट डाउन करो एक एक्सेल शीट पे। ये करके ले आओगे सारे लोग, उम्मीद करते हैं लाओगे तो नहीं।